महामारी के बीच जहां आम लोग घरों में सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को बांधे रखे हैं, वहीं राज्य में साइबर अपराधियों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। हालांकि राज्य में कई इलाकों में पुलिस चौकन्नी है और साइबर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर तैयार है। इसी कड़ी में देवघर पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है, जो लॉकडाउन के माहौल में अपना वारा नियारा करने के चक्कर में थे। देवघर पुलिस ने आज 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर जिले के सरवा मधुपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कराई गई, जिसमें 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार की गई है। देवघर SP ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 10 ATM, 1 लैपटॉप, 1 दो पहिया वाहन और 8,000 नकद बरामद किए गए। देवघर SP ने कहा कि इन साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को KYC करवाने के नाम पर ठगी करते थे। इसके अलावा पेटीएम, गूगल पे और अन्य तरह के पेमेंट डिजिटल मोड का इस्तेमाल कर OTP हासिल कर इनसे ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। देवघर पुलिस की 2 टीम के द्वारा छापामारी की गई है और उसमें 10 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 11 मोबाइल, 18 सिम, 4 पासबुक, 1 लैपटॉप, 10 ATM और 1 TVS अपाचे, नकद 8,000 रुपया बरामद हुआ है। दोनों टीम में से एक टीम का नेतृत्व DYSP मंगल सिंह जामुदा, दूसरे टीम का नेतृत्व DYSP नेहा बाला कर रही थी। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर इन लोग का? इन सबका जो आपराधिक रिकॉर्ड है इसके बारे में अभी छानबीन किया जा रहा है और FIR करके इसे आगे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थैंक यू सर।